कोरोना के बाद देखा जा रहा है कि कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक ज्यादा होने लगा है। इतना ही नहीं, इस हार्ट अटैक में मौतों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पहले की तुलना में कोरोना के बाद ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जितना फास्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही है, उतना ही अपने स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी में सुस्त होती जा रही है। इससे कई बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, पर हम अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करके इस खतरे से बच सकते हैं। दरभंगा के डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण डीएम के अनुसार हार्ट अटैक के मामले बढ़ने के कुछ कारण हैं। एक वजह यह है कि लोग आजकल काफी देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इसके कारण लोग ज्यादातर तनाव में रहते हैं। ये भी एक मुख्य कारण है हार्ट अटैक का। अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचे रहें, तो रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। सुबह उठते ही कुछ न कुछ एक्सरसाइज और योग निश्चित तौर पर करें। हमेशा तनाव मुक्त रहें। हार्ट अटैक से मौत की दर। डॉक्टर करण बताते हैं कि आजकल कोरोना के बाद से हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा हो गया है। मृत्यु दर भी बढ़ गई है, खासकर यंग जनरेशन में ज्यादा हो रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस पर भी बहुत रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये देखा गया है कि नस को काफी इफेक्ट करता था ये वायरस। इससे क्लॉट्स बनने की आशंका ज्यादा होती थी। कोरोना वायरस या हार्ट अटैक से नस से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। जब आपके नस के रक्त स्राव में ब्लड जम जाता है तो हार्ट अटैक होता है। इसको ब्लॉकेज भी बोल सकते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।